आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार पांचवा अध्याय। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरे नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोट से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तो शुद्ध हो जा। और उसका कोट तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कह, परंतु जा, अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की, जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। उन्होंने उससे कहा,
योहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है।